नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, मैं एडवोकेट बंजीत आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज व्लॉग टाइप के स्टाइल में इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। आपके दो तीन प्रश्न हैं जिसका कि आंसर देना बहुत ही जरूरी है। इस कोरोना पैंडेमिक में जिस प्रकार से कोर्ट्स बंद चल रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों की इनकम्स पे इफेक्ट आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी जो लीगल चीजें हैं वो तो चलती रहेंगी। जैसे बैंक्स लीगल नोटिस अगर भेजती हैं तो उनका जवाब कैसे देना है, केवल बैंक का ही नहीं है, इसमें यदि कोई बिल एप्लीकेशन है तो उस पर कैसे सुनवाई होगी। कुछ लोगों का ये भी है कि क्या अभी रजिस्ट्री हो रही है या नहीं हो रही है। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यहाँ पे जो भी कोर्ट्स चालू हैं या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है बैंकों के लिए। बैंक इसमें ही आपको लीगल नोटिस भेजेंगी, उनको पता है कि इस लॉकडाउन में आपके पास पैसा नहीं है, तो वह चाहेंगी आप किसी तरीके से आप उनको उनका पैसा दें, उनसे सेटलमेंट कर लें, या किसी भी तरीके से वो आपको परेशान जरूर करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें बेल एप्लीकेशन जो फाइल हो रही है तो क्या इसमें सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो देखिए, बेल एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जिस पर जल्द से जल्द अगर सुनवाई नहीं होगी तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो सकता है उस व्यक्ति के साथ जो कि जेल में बंद है, तो इसमें आप स्पेशल बेल एप्लीकेशन फाइल करके आप बिल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, हर जगह स्पेशल रूप से जो प्रोविजंस है उसमें काम हो रहे हैं। तीसरी बात आप लोगों ने ये पूछी थी कि आपने कोई प्रॉपर्टी बैंक के माध्यम से कर दी है या फिर कोई प्रॉपर्टी आप बैंक के नीलामी में खरीदने वाले हैं तो क्या उसकी रजिस्ट्री इस समय होगी या नहीं होगी। तो देखिए, यदि बैंक आपको एश्योर करता है, यदि बैंक आपको भरोसा दिलाता है कि वो इस समय भी रजिस्ट्री करवा देगा तो मुझे नहीं लगता है कि वह कहीं सही बात कर रहा है। देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस भी कहीं ना कहीं बंद ही होंगे क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ ज्यादा ही क्राउड हो जाते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले आप खुद जा करके अपने उस एरिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां के रेवेन्यू ऑफिस या फिर जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पता कर ले कि क्या कोर्ट्स खुल रहे हैं, क्या रजिस्ट्री हो रही है नहीं हो रही है। तो इन तीनों बातों को आपने अच्छे से समझ लिया, और यदि कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।